हरदोई में बाढ़ से हालात बेकाबू। बाढ़ के कहर से सैकड़ों लोग बेहाल। समाज सेवी राजवर्धन सिंह राजू ने बाढ़ से पीड़ित लोगों को बांटी राहत सामग्री। राजवर्धन सिंह राजू ने नाव पर बैठकर बाढ़ में तबाह हुए लोगों को बांटी राहत सामग्री व खाने के पैकेट। राजवर्धन सिंह राजू लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों में निकलकर लोगों की कर रहे मदद। हरदोई के हरपालपुर में बाढ़ से प्रभावित हैं सैकड़ों घर। बाढ़ में लोगों की फसलें भी हुई बर्बाद। सड़क घर भी हुए बाढ़ में समाहित। बाढ़ से हरदोई जिले में मचा हाहाकार। समाज सेवी राजवर्धन सिंह राजू ने राहत सामग्री सहित लोगों को पैसे भी दिए। हरदोई से आशीष सिंह के साथ। चूंकि ये नदियों से घिरा क्षेत्र है पूरा आपका, यहाँ पे तो यही नदी एक है, लेकिन बाकी कटियारी हम लोग जाते हैं तो पांच पांच नदियों से घिरा क्षेत्र है। लेकिन जितने भी जनप्रतिनिधि हुए हैं, किसी ने एक ऐसी स्थायी परियोजना नहीं लागू कराई है जिसकी वजह से इनका कभी कटान रोकने की व्यवस्था होती। जैसे जितने महानगर हमने देखा है, बसे हैं जो नदियों किनारे, तो वहाँ पत्थर का कार्य, पिचिंग का कार्य, लाइजनिंग का कार्य किया गया, तो उसकी वजह से कटान रुके हैं। और ये जो डैम से पानी छूटा है अटंडम, तो किसान तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। जिनकी फसलें थी वो जलमग्न हो गई हैं, मवेशी भी डूब रहे हैं, लोगों के घर कट गए हैं। और प्रशासन ने कोई भी ऐसी चौकी नहीं स्थापित की जो गोताखोर कहीं छोड़ दिए होते, कहीं पे जनप्रतिनिधि आके कैंप लगा दिए होते, डॉक्टर्स की टीम होती, कोई व्यवस्था नहीं है। नहर विभाग ने एक बचाव का कार्य किया, खूंटे लगवाए, स्टेट लगवाए, बोरियां लगवाई, लेकिन जब एक कसके बहाव होगा तो खूंटे स्टेट कितने रोक पाएंगे? वो तो टेम्परेरी वैकल्पिक व्यवस्था की गई, और इस वैकल्पिक व्यवस्था से वो भी नहीं उनको पता था कि बाढ़ आने वाली है। वो तो अपना पहले से प्रोग्राम उनका चल रहा था। बाढ़ को रोकने के लिए आज जो महामारी मची है, इसके लिए प्रशासन को कमर कसनी पड़ेगी और अधिकारियों को इन गाँव में रुकना पड़ेगा। चूंकि गाँव वालों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, ना इनको खाने की समस्या अभी टूट पड़ेगी, दवाई की व्यवस्था अभी दिक्कत इनको है, और तमाम ऐसे लोग जो हैं जिनको निकालना पड़ेगा तत्कालिक प्रभाव से, तो गोताखोर, वोट, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। तो इनका तो जैसे लोग तो विदेशों में लोग नहीं, इस तरीके जैसे नहीं लोग जंगलों में रहते हैं, उस तरीके का जीवन ये लोग व्यतीत कर रहे हैं। और हम लोग तो अभी सड़क से बिल्कुल नज़दीक हैं, यहाँ पर जहाँ खड़े हम लोग हैं ये नज़दीक है, शायद 52 ब्लॉक का गाँव है, ये 52 ब्लॉक का गाँव है। और जब हम लोग कटियारी जैसे जैसे घुसेंगे, बस से बदतर स्थिति है, लोग रोटी को तड़प रहे हैं। लगभग कितने गाँव जो है प्रभावित होंगे, कितना हजार? सैकड़ों गाँव और 50,000 की संख्या में जो आबादी है पूरी तरीके से प्रभावित हो चुकी है। और इनका पहली चीज तो प्रशासन ने जो सर्वे कराया है, अभी इससे पहले जो बारिश हुई 4 दिन पहले थी, तो उस सर्वे में इन्होंने यहाँ का रिपोर्ट जो लगा दी, गलत लगा दी कि नुकसान हुए ने 30% 35%। हमारी प्रशासन के लोगों से मांग है कि इनको समुचित मुआवजा दिया जाए, जिनके आवास ढह गए हैं उनको पुनर्वास की स्थापना दी जाए, और जो तमाम लोग हैं इनको एक मुआवजा दिया जाए, और प्रशासन के लोग इनकी निगरानी में अपनी देखरेख करें, चाहे हवाई सर्वे करें या रुक के करें, लेकिन इनके बीच में आना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को भी आना चाहिए।